इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसने बताया कि जो भक्त है वो हमेशा उत्सुक रहता है कि कैसे मैं और अच्छे से सेवा कर पाऊँ। वो ये नहीं सोचता कि मुझे जो सेवा मिला था वो बस कर दिया, वो सोचता है इस सेवा में दिन प्रतिदिन हर बार मैं और ज़्यादा परफेक्शन कैसे लाऊं, कैसे कृष्ण को मैं और ज़्यादा संतुष्ट करूं। माँ क्या सोच रही है कि और कैसे कृष्ण को मैं संतुष्ट कर सकूं, इसलिए वो एक्स्ट्रा प्रयास कर रही है। जनरली माँ तो रानी है इसलिए वो उतना जल्दी नहीं जगती है, दासियां सब सेवा करती हैं, पर आज माँ स्पेशली कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने जो अपना जो डेली शेड्यूल है जो है उसमें अपने आप को कष्ट दे के स्वयं उसको कर रही है ना। तो हमने चर्चा किया था कि भगवान सत्वत मुनि यहाँ पे भगवान की वंदना कर रहे हैं, नमामि ईश्वरम, सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है ना। ईश्वर शब्द के तीन अर्थों का हमने चर्चा किया था, सर्वशक्तिमान समस्त जगत के स्वामी और जगत के एकमात्र स्वामी और मेरे प्रभु। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, सच्चिदानंद रूपम भगवान का जो रूप है उसके बारे में कह रहे हैं कि तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान के सात स्पेसिफिकल चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है। सात विशेष है ना, तत्व विशेष, लीला विशेष, गुण विशेष, रूप विशेष, परिवार विशेष, सौंदर्य विशेष और प्रेम विशेष। ये सात चीज़ों को दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि लाते हैं। नमामि ईश्वरम, ईश्वर शब्द उनके तत्व को बता रहा है, कृष्ण के तत्व को। क्या है ईश्वर? सर्वभूता को ईश्वर परम कृष्णा, तो वो तत्व को बता रहा है कि ये सुप्रीम भगवान है। तत्व विशेष, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, सच्चिद आनंद उनका रूप है, ये उनके रूप विशेष को बता रहा है। नमामि ईश्वरम ये तत्व को बताता है, सच्चिदानंद उस तत्व को सपोर्ट करता है ना, और वो भी तत्व में वो भी है, सच्चिदानंद भी तत्व को बता रहा है, और साथ ही साथ सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम, लसत कुंडलम और सच्चिदानंद रूपम ये उनके रूप विशेष को बता रहा है ना। फिर नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम, गोकुल में गोकुले ब्राजमानम ये उनके परिवार विशेष को बता रहा है। किसको? परिवार विशेष। अब गोकुल में नंद बाबा हैं, यशोदा माई के मित्र हैं, ये सब उनका जो परिवार है इसको बता रहा है। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम यशोदा बियोलूक लाधव मानम परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्य। बंद कर दीजिए। तो यशोदा बियोलोक लाधव मानम परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्य, ये भगवान के बाकी जो सौंदर्य विशेष है और प्रेम विशेष है उसको बता रहा है और लीला विशेष को बता रहा है। ठीक है, तो फिर गुण विशेष आगे आएगा। ठीक है, पहला श्लोक में इतना बता रहे हैं। कल हमने नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम इस पे चर्चा किया था, है ना। लसत कुंडलम, भगवान के जो कुंडल हैं वो सभी आभूषणों में बहुत ज़्यादा मुख्य हो गए हैं। क्यों? वो पूरा समय ये कुंडल ऐसे ऐसे करके आगे पीछे करके, ये मकर आकृति के कुंडल भगवान के हैं और ये भगवान के गालों पर पूरा टाइम उनको किस करते रहते हैं भगवान। तो ये सौभाग्य भगवान के इन सुंदर गालों को हमेशा चूमने का जो सौभाग्य है वो इन कुंडलों को मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात लसत कुंडलम से बता रहे हैं
कि जब लसत कुंडलम जो भगवान लीला करते हैं, खेलते हैं, या माता यशोदा के डर से भाग रहे हैं, तो ये कुंडल आगे पीछे होके भगवान के गालों को टच करते हैं, है ना। तो पहली चीज़ है कि ये ऐसे लग रहा है कि उन गालों पर ये कुंडल खेल रहे हैं, है ना। और इस तरीके से जो ये मकर आकृति के जो कृष्ण के कानों के कुंडल हैं, उनके गालों पर खेलते हुए प्रतीत होते हैं, और इससे ये कृष्ण के मुख कमल की शोभा को बढ़ा रहे हैं, लसत कुंडलम। दूसरा अर्थ है, कृष्ण के दोनों गालों को निरंतर बार बार आगे पीछे आकर चूमने के कारण इन कुंडलों के महासौभाग्य का वर्णन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन इस श्री मुख में और इस मुख कमल पे इन गालों तक आ पाना और जब चाहे तब उनको चूम के जाना, ये कोई आसान बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी हमारे साधारण बच्चे की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? नमामि ईश्वर, इस ईश्वर की बात हो रही है। कल हमने चर्चा की था ना, वही ईश्वर वरादेव। वरादेव के बारे में कल क्या बताया था? उनके एक रोम छिद्र के अंदर सातों समुद्रों का पानी भी भर दोगे तब भी वो भरेगा नहीं, है ना। और भी हमने चर्चा की थी ईश्वर तत्व, अब सोचो वो ईश्वर, है ना। तो ये कुंडलों को कितना सौभाग्य मिला है, तो इनके कुंडलों के महासौभाग्य का वर्णन है। और तीसरा अर्थ है कि इन कुंडलों की शोभा उन कृष्ण के कानों में आने की वजह से बढ़ रही है। कुंडल वैसे तो मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान की सुंदरता कुंडलों की वजह से बढ़ रही है, है ना। जनरली क्या है कि व्यक्ति की सुंदरता उसके आभूषण पहनने से बढ़ जाती है, ये होता है ना, तरह तरह के आभूषण पहनने से उनकी जो है सुंदरता बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो आभूषणों की सुंदरता बढ़ गई है क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में है। तो असली सुंदरता हमारी कब हम प्रदर्शित होगी? जब हम अपने आप को कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर देंगे तब हमारी असली सुंदरता निकल के आएगी, है ना। नमामि शरम, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। गोकुले, गोकुल में भगवान ने सारी लीलाएं करी हैं, तो गोकुले भ्राजमानम, गो यहाँ भी दोनों अर्थ हैं कि गोकुल में भगवान के आने से गोकुल की सुंदरता बढ़ गई है। गोकुल शोभायमान क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए गोकुल शोभायमान हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे गोकुल दूसरा अर्थ क्या है, पहले तो भगवान गोकुल की शोभा बढ़ा रहे हैं और गोकुल भगवान की शोभा बढ़ा रहा है, दोनों अर्थ हैं। भगवान अपने आप को भक्तों के बीच में आकर समझते हैं कि अब मेरी शोभा बढ़ रही है, और भक्त भगवान की सेवा में लग के समझते हैं कि मेरी शोभा बढ़ रही है। तो इस तरह से ये जो भगवान की सुंदरता है, ये भगवान नारायण को भी आकर्षित करती है। तो गोकुले ब्राजमानम का अर्थ समझ में आया, और यही भगवान का सच्चिदानंद रूप, उन्हीं सुप्रीम भगवान ईश्वर का सच्चिदानंद रूप, ये इस गोकुल में इन गोपियों के द्वारा पूजित होता है। गोपियां उसी रूप की सेवा करती हैं, राइट। यशोदा भियोलोक लादव मानम,
दही की जो मटकी थी उसको तोड़ने के बाद कृष्ण माता यशोदा से डरे हुए थे। यशोदा भी वो लोग लाधव माना, वो कल कहाँ तक पहुँचे थे कि जब मैया ने देखा कि दूध जो अंगीठी पे जो दूध रखा है चूल्हे पर वो बाहर निकलने वाला है, तो माँ कृष्ण को बिठा देती हैं और दूध को बचाने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पे पहले तो हमने देखा था कि भगवान में कामना हुई थी, आत्माराम होते हुए भी भगवान में ये कामना हुई थी कि मुझे स्तनपान करना है, कोई इच्छा नहीं भगवान आत्माराम पर, फिर भी उनके अंदर स्तन्य कामना आई। फिर अभी हम तो पहले क्या हुआ, कामना है ना, लस्ट, भगवान के अंदर लस्ट का माने कामना माने लस्ट है ना, ये निकल के आ रहा है, भगवान इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, चाहिए है ना। तो माने दूध तो पिलाया, लेकिन बीच में दूध पिलाते समय उनको बिठा दी और वहाँ किचन में गई हैं, तो भाई भगवान ने दूसरा गुण प्रदर्शित किया, वो था लोभ, और चाहिए, इतनी देर से दूध पी रहे हैं लेकिन अभी और चाहिए, काम लोभ दोनों। अब भगवान कह रहे हैं मैं तो क्षीर सागर में रहता हूँ, क्षीर सागर माने क्या, दूध का सागर, उस क्षीर सागर को छोड़ के आया कि मैया का स्तनपान करूँगा और मैया ने मुझे यहाँ बिठा दिया, और मैं क्षीर सागर छोड़ के आपके पास आया और आप वो एक भगवान ने दूध बचाने के लिए मेरे को उपेक्षा कर दी, यही मेरी वैल्यू है, मैं क्षीर सागर को छोड़ के आया है ना। ब्रह्म संहिता में है ना, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, लक्ष्मी हजार रूप लेके हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, है ना। लीला को ऐसे समझना है कि ये वही, तो हमें डाउट नहीं होगा कभी कि कौन है ये व्यक्ति, हजारों हजारों लक्ष्मियां तैयार खड़ी रहती हैं कि भगवान बस इच्छा करें और हम वो सेवा करें ना। जब हजारों हजारों लक्ष्मियां बैकुंठ में झाड़ू लगा रही हैं क्योंकि बैकुंठ में बहुत गंदगी है, हैं नहीं गंदगी नहीं है वहाँ, चिंतामणि धाम है, गंदगी नहीं है वहाँ, लेकिन वहाँ पे लक्ष्मियां झाड़ू इसलिए लगा रही हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि इस तरह से अगर हम झाड़ू लगाएंगे तो कभी तो नारायण की मेरी तरफ आकर्षण आएगा कि कौन है ये, है ना। तो लक्ष्मी को भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो झाड़ू लगा रही हैं, तो हमें कितनी सेवा करनी पड़ेगी कि भगवान हमारी तरफ देखें। तो बताते हैं कि लक्ष्मी जब झाड़ू लगाती हैं तो एक हाथ से झाड़ू लगाती हैं, एक हाथ से कमल को घुमा रही होती हैं, क्योंकि इससे नहीं तो कम से कम इससे भगवान का कहीं ना कहीं वो भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही हैं। कौन, लक्ष्मी, लक्ष्मी जिसके पीछे पूरा संसार भाग रहा है, सभी लोग को क्या चाहिए, लक्ष्मी, विष्णु किसी को नहीं चाहिए, जिस जिसको लक्ष्मी चाहिए वो सब रावण मेंटेलिटी है, क्योंकि रावण को सिर्फ सीता चाहिए, राम को नहीं चाहिए। राम तो कह रहे हैं कि मेरे को अपहरण करके ले चलो, लेकिन वो राम का अपहरण नहीं कर रहा है, वो किसका कर रहा है, सीता, उसको सीता चाहिए, उसको लक्ष्मी चाहिए, विष्णु नहीं चाहिए। दिवाली आने वाली है, लक्ष्मी की पूजा हम लोग करते हैं, लक्ष्मी जहाँ जो, एक तो लक्ष्मी आपके पास अकेली आएंगी नहीं, क्यों, जहाँ उनके हस्बैंड जाएंगे वो वहीं जाएंगी, और जो हमने उन्हें ज़बरदस्ती ले आया तो कोई ना कोई भक्त आके लंका दहन करके जाएगा, श्रील प्रभुपाद की, ठीक है। तो हजारों हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में तत्पर खड़ी हैं, भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, भगवान संकल्प मात्र से
ब्रह्मा और शिवा उनके लिए जो चाहे वो देने के लिए तैयार हैं, वो भगवान कह रहे हैं यार मैं इन सबको छोड़ के आया कि आप क्या स्तनपान करना है, और आपने जरा सा भगवान ने दूध के लिए यहाँ साइड में बिठा दिया। काम आया, लोभ आया, और फिर क्रोध भी आया। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। अच्छा, मेरे को साइड में रखा, आप बताता हूँ। तो गीता में भगवान कहते हैं काम, क्रोध और लोभ, ये हैं नरक के तीन द्वार, और आज भगवान स्वयं इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। ये है दामोदर लीला की विशेषता कि वो सब अपने उन ऐश्वर्यों को त्याग कर रहे हैं भगवान, और यहाँ पे ऐसी चीज़ों को दिखा रहे हैं जो हमें ये भ्रम पैदा कर सकती है कि ये साधारण मनुष्य है। काम, भगवान को क्यों काम आएगा? क्रोध, अरे कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। काम और क्रोध रजोगुण की वजह से निकलते हैं। जब व्यक्ति में रजोगुण बढ़ता है तो काम और क्रोध आता है। सही है, कामेश, यही तो गीता कह रही है, कामेश क्रोधेश रजोगुण, रजोगुण की वजह से। और आप तो सच्चिदानंद विग्रह हो। सब कन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये दामोदर लीला की, इसलिए इस दामोदर अष्टकम को समझना बहुत जरूरी है। आप एक जगह तो सच्चिदानंद विग्रह बता रहे हो, और यहाँ आप रजोगुण के गुण को प्रदर्शित कर रहे हो, क्योंकि काम और क्रोध ये तो रजोगुण की वजह से आते हैं ना। तो कोई सोचेगा अरे काम और क्रोध लोभ ये सब है तो ये तो रजोगुण ही बच्चा है, और कृष्ण सतोगुण भी नहीं, वो शुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्व है। लेकिन लीला में क्या प्रदर्शन हो रहा है? काम क्रोध लोभ। खुद कहते हैं कि ये तीन नरक के द्वार हैं, है ना गीता में। तो माँ ने उधर गई और इधर भगवान बोले अब मैं दिखाऊंगा। और भगवान इतने चालाक हैं कि भगवान ने सोचा माँ तो उधर गई है, थोड़ा समय में लगेगा, अब मैं क्या करूँ। भगवान को थोड़ा एटीट्यूड तो है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे अलावा और अट्रैक्टिव हो। मतलब अटेंशन चाहिए, 100% अटेंशन कहाँ हो, मेरे ऊपर नहीं हो तो अब मैं लाता हूँ। मेरे से अटेंशन डरा के कहीं और गई ना, अब मैं दिखाऊंगा। तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम किसी और जगह उनके अलावा अटेंशन दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझने वाले। यहाँ किसी साधारण भक्त की बात नहीं हो रही है, यहाँ माता यशोदा की बात हो रही है। माता यशोदा ने भी थोड़ा अटेंशन इधर किया तो भगवान नाराज हो गए। हमारा तो सारे टाइम अटेंशन दूसरी ही चीज़ों में है, और माँ तो फिर भी गई थी। क्यों? क्योंकि माँ क्या सोच रही थी कि मैं स्तनपान इसको कब तक कराऊंगी, दिन में भूख लगेगी तो यही दूध तो ये पिएगा। तो माँ तो सेवा के भाव से गई है। यहाँ पे दूसरा लेसन है कि अगर सेवा सामने है तो कृष्ण को भी साइड में रख दिया। ये माँ ये भाव प्रदर्शित कर रही है कि सेवा है तो सेवा के लिए तो मैं कृष्ण को भी इंतजार करवा दिया। क्यों? मेरी सेवा है, इसलिए तो माता यशोदा का स्थान बहुत ऊंचा है। तो माँ तो कृष्ण से अटेंशन हटाई नहीं है, माँ तो सेवा के उद्देश्य से गई है, लेकिन फिर भी भगवान नाराज हो गए। तो हमें समझना है कि हमारा अटेंशन कहाँ है, हमारा अटेंशन कितना भगवान में है, कितना हमारे इंद्रिय भोग में। बहुत मुश्किल है क्योंकि भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए बार बार घुमा फिरा के बोलते हैं एकम शब्द, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण में आओ, नहीं बोल रहे हैं केवल मेरी शरण में आओ। ठीक है भाई, आपके यहाँ भी आया, कभी कभी उधर भी चला जाता हूँ ना, ऐसे कैसे, वहाँ क्यों जाते हो, सिर्फ यहीं आना है, ये एटीट्यूड है ना। तो भगवान को जब यहाँ बिठा दिया, आप बताओ क्या करूँ
आइडिया। भगवान ने पहले जो मसाला पीसने वाला पत्थर होता था ना, उसको उठाया, है ना, ऊपर वाला जो रहता है ना, उसको उठाया और मटके को फोड़ने के लिए मटके पे मारा। लेकिन मटके को देख ना, भगवान कितना दिमाग से काम कर रहे हैं, मटके को ऊपर से नहीं मारा। ऊपर से मारेंगे तो आवाज़ आएगी फूटने की, तो माँ हो सकता है तुरंत आ जाए, है ना। तो उन्होंने बिल्कुल नीचे जो होता है ना, बिल्कुल नीचे जो उसका पेंदी जो होते हैं ना, उसमें जाके भगवान ने ऐसे मारा है कि आवाज़ ना आए, बस वहीं, क्योंकि वो मटका थोड़ा सा फूट के और सारा दही वहीं पे फैल गया। कई बार क्या है ना, बच्चों को नहीं पता कि वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, तो कर तो देते हैं गड़बड़, बाद में उनको लगता है यार इतना फैल गया, तब उनको रियलाइज होता है कि यार कुछ अब तो गड़बड़ ज़्यादा हो गई, अब तो मार पड़ेगी, है ना। जब वो कुछ तोड़ता फोड़ता है तब उसको नहीं समझता, लेकिन तोड़ने के बाद जब बहुत जगह अब तो नुकसान ज़्यादा हो गया तो, है ना, तब भगवान को लगा कि अब तो सब जगह दही दही हो गया है, अब उसके बीच में खड़े हुए हैं, अब क्या करूं। अब इनको लगा कि तो मैया आगे पकड़ेगी, तो भगवान बच्चे के लक्षणों को बिल्कुल लीला में है, ये साइड से निकल सकते थे, नहीं इनको इतनी बुद्धि नहीं, ये उसी दही जो पूरा घर में फैला हुआ है उसी दही के बीच से भागे हैं। तो जब ये भाग रहे हैं तो फच 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 क्या आवाज़ आ रहा है, और ये भागे हैं और दही को निकले तो वो दही के में पैर भीगे होने के कारण वो फुटप्रिंट छोड़ते हुए चले गए हैं दूसरे कमरे में। तो उसके बाद भगवान जब दूसरे कमरे में गए तो फिर अब भूल गए, अब और करना है, अभी तो कम हुआ है नुकसान, तुमने इतना से दूध को बचाने के लिए मेरा क्या, मेरे को साइड में तिरस्कार किया है ना, इतना नुकसान करूँगा कि तुम खुद सोचोगी कि अच्छा होता है वो दूध ही फैल जाता, तो अभी तो दूध ज़रा सा बचाने के लिए पूरा बड़ा मटका दही बर्बाद हुआ, अभी इतने से काम नहीं हुआ। अभी दूसरे कमरे में गए, अब कहते हैं कि अब क्यों गुस्सा क्यों आया था, भूख लगी है, पूरा पेट भरा नहीं, बीच में हटा दिया, भूख लगी है मुझे, अब भूख लगी मैं खाऊंगा और मैं बासा बासा माखन खाऊंगा, पुराना जो कमरे में पुराना माखन रखा है वो खाऊंगा, क्यों, उससे खा के ना जब मेरा तबीयत ख़राब होगा ना तब हॉस्पिटल लेके घूमोगी ना, और जब वहाँ डॉक्टर को जाके मेडिकल में जाके जब खर्चा दोगी तब तुम, अभी दूध ज़रा सा बचाना है ना, तो जब दवाओं का खर्चा होगा ना तब पता चलेगा। तो वहाँ पे जाके भगवान बासा वाला मक्खन उस पर अब कैसे चढ़ें, तो देखा इधर उधर तो कुछ नहीं मिला, तो जो ऊखल होता है उस ऊखल को खींचा और उल्टा किया और उसके ऊपर चढ़ गए, और फिर वो जो सीके में जो मक्खन रखा था उसको खाया। अब उसी समय याद आया कि यार पिछली बार इन बंदरों ने बहुत मेहनत करी है ना, बहुत मेहनत करी लंका दहन, लंका में ब्रिज बनाने के लिए और बहुत कुछ किया, तो उस समय तो कंदमूली फल खिला पाया, आज कुछ अच्छा खिलाता हूँ, तो सारे बंदरों को बुलवाया और खिला रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि अब मैं तो इतना नहीं खा पा रहा हूँ ना, तो और बंदरों को खिलाऊँगा फ्री, ताकि तुम्हारा नुकसान ज़्यादा हो, तुम्हें समझना पड़ेगा इस बात को, है ना, तो बंदरों को फ्री में खिला रहे हैं, है ना, और खाओ और खाओ, तो कृष्ण तो फ्री में खिलाते है ना, फ्री में, तो हमें भी ना फ्री में ही प्रसाद खिलाना चाहिए, है ना, प्रसाद के लिए पैसा नहीं। तो बंदरों को खूब मक्खन खिला रहे हैं। अब ये तो इधर चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या हुआ, बैकग्राउंड में माँ तो अपना दूध दूध अपना हिसाब से रख के आई है, इधर देखा तो पूरे में दही दही फैला हुआ है यार। अब
भगवान अगर चाहते तो वहीं रुक जाते, है ना, चाहते तो वहीं रुक जाते, दही के पास ही फैल गया। तो शायद माँ सोचती कि शायद बिल्ली ने गिरा दिया या कुछ सामान गिर गया या गलती से हो गया होगा, टूट गया होगा, तो बच जाते। लेकिन ये वहाँ से फोड़ के भाग लिए, है ना। मैं तो पुलिस में, मेरे पेरेंट फादर पुलिस में थे, तो थोड़ा पुलिस का क्या होता है ना, वो पुलिस से पूछती है, ओके साहब हमने, सर हमने नहीं किया। नहीं किया तो भागा क्यों? अगर तुमने गलती नहीं करी थी तो तुम भागा क्यों? जब पुलिस आई, पुलिस को देख के तुम क्यों भागा? जो गलत नहीं करता उसको किस बात का डर, तो क्यों भागेगा वो? तो तुम डर तो लगता ही, डर मतलब तुमने गलत किया है ना, इसलिए भागा। तो अगर भगवान भागते नहीं तो माँ शायद ना सोचती कि इसने ही तोड़ा है, लेकिन भागे। और चोर जहाँ चोरी करता है तो कुछ छोड़ के जाता है निशान, तो अपने पदचिन्ह भी छोड़ के गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो माँ आई तो पहले तो माँ सोचती है कि देखा कि मटकी फोड़ी है और दही पूरा फैल गया है, किसने किया होगा? तो समझ तो गई कि इसी ने किया है, है ना। फिर सोच, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, माँ को खुशी है। किस बात की खुशी है? कि मेरा बेटा इतना चतुर हेडेड नहीं है, है ना, बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? देखो इतना दिमाग लगाया ना कि नीचे से फोड़ूंगा तो आवाज़ नहीं आएगी, तो मैया को पता नहीं चलेगा। वो फ्लाइट मोड में है ना, फ्लाइट मोड में है ना, DND में है शायद, सिग्नल की वजह से डिस्टर्ब आ रहा है। तो माँ को पहले तो इस बात की खुशी है कि बच्चा मेरा इतना तो दिमाग लगाने लायक हो गया है, इतनी बुद्धि है उसमें, मतलब ऐसा नहीं कि वो डल हेडेड है, तो इस बात की खुशी है ना। लेकिन उसी समय माँ को लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही शैतान हो गया है, ऐसे तो कुछ भी करेगा ये, है ना, इतना नुकसान कर दिया, कुछ भी करेगा। तो इसको, और फिर माँ को ये भी लग रहा है कि अभी पता नहीं कहाँ भागा होगा, डर से भागा है, किस तरफ भागा है ना, कहीं दूर भाग गया तो फिर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ढूंढने जाना पड़ेगा। तो उनको ढूंढने के लिए टेंशन है नहीं, क्योंकि भगवान खुद निशान छोड़ के गए। तो उन्हीं पद चिन्हों को माँ फॉलो करते हुए और दूसरे कमरे में गई है, और वहाँ पे भगवान मक्खन खिला रहे हैं बंदरों को, आराम से बांट रहे हैं। तो बंदर मक्खन आराम से खा रहे थे, और अब भगवान अपना प्रेम बंदरों से व्यक्त कर रहे हैं, तो बंदरों का भी तो कुछ ड्यूटी बनता है ना, कि कुछ तो मित्रता निभाएं। तो भगवान उखल के ऊपर बैठ के ऐसे करके बंदरों को खिला रहे हैं सबको, और बीच बीच में भगवान ऐसे देख भी लेते हैं, है ना, कि वो मैया तो नहीं आ रही गई, तो डरे हुए हैं, बीच बीच में देख भी लेते हैं आते होंगे। लेकिन वो ऐसे खिला रहे हैं और पीछे से माँ बिल्कुल दबे पाँव, है ना, कि पता ना चले, देखूँ तो कर क्या रहा है। तो बिल्कुल दबे पाँव माँ आती है, और अब माँ को पीछे से आ रही ना, तो भगवान को पता नहीं चला, अपने बंदरों को पता चल गया, है ना। तो बंदरों ने ना ची 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 करके अपनी मित्रता निभाई, साउंड बनाया कि भगवान समझ जाए कि माँ आ गई है। तो जैसे ही भगवान ने बंदरों का साउंड सुना, देखा कि माँ आ गई, तो यशोदा भियोलुख लाधव मान, यशोदा माँ के डर से उस उखल से कूद के और फिर भागे। तो भगवान ने पहले तो माँ आई है, अब डांटेगी, फिर देखा हाथ में छड़ी भी ली है, तो अब तो आज तो ज़्यादा ही नुकसान हो गया है लग रहा है। तो उस छड़ी के डर से तो और तेज भागे हैं। अब तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, 7 चीज़ें हैं, तो उसमें जो यशोदा बियोलु, यहाँ पे माता यशोदा के सौंदर्य विशेष का वर्णन है ना, पता है ना, तत्व विशेष, लीला विशेष, गुण विशेष, रूप विशेष, परिवार विशेष, सौंदर्य विशेष, प्रेम विशेष, माता यशोदा के सौंदर्य विशेष का वर्णन है ना।
जो वात्सल्य रस के भक्त हैं वो इस पे ध्यान देते हैं। तो भगवान वहाँ पे दौड़ते हैं और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये भगवान जिनको बड़े बड़े योगी जन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, आज उनको पकड़ने के लिए माता भागी है। बड़े बड़े योगी नहीं जिसको पकड़ पा रहे हैं ना। और माँ क्यों पकड़ रही है, माँ को लग रहा है कि मेरा बेटा है, उसको कुछ नहीं, मैं पकड़ूंगी। तो माँ यशोदा माँ अपने पुत्र को कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रही। यशोदा भियोलुक लाधव मानव परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या, अत्यंत तो द्रुत गोप्या परामृष्टम। माता यशोदा ने कृष्ण को कृष्ण से और अधिक तेजी से भागकर अत्यंत तो द्रुत गोप्या, गोप्या शब्द माँ यशोदा के लिए आया। वो गोपी यशोदा गोपी ने माँ ने कृष्ण से तेज गति से भागते हुए उनको एक पकड़ ही लिया। तो यहाँ पे माता यशोदा का सौंदर्य और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है ना, सातवीं चीज है प्रेम विशेष, तो प्रेम का वर्णन आ रहा है, माता यशोदा के सौंदर्य का और भगवान कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का वर्णन आ रहा है। अत्यंत तो द्रुत गोप्या, गोप्या शब्द से जो गोपी जाती है उसके महासौभाग्य का वर्णन आ रहा है कि जिनको बड़े बड़े योगी नहीं जिसको पकड़ पा रहे हैं अपने योग के बल पर, उसको एक गोपी ने पकड़ लिया है ना। तो यहाँ पे गोपी शब्द से गोपी जाति का भी महासौभाग्य का वर्णन हो रहा है। तो भागवतम में वर्णन आ रहा है कि कृष्ण का पीछा करते हुए अपने भारी शरीर के कारण माता यशोदा को स्वाभाविक रूप से अपनी चाल मंद करनी पड़ी, और अत्यंत तेजी से श्री कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल खुल गए और उन बालों में लगे फूल भी गिर गए, पर फिर भी वो अपने पुत्र को पकड़ने में सफल हुए। आपने फोटो देखा होगा भगवान का भागते हुए, इधर है नहीं वो एक ना भगवान भाग रहे हैं, हाँ है ना, तो भागते हुए तो भगवान भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि माँ तो माँ है ना, और भगवान तो बच्चे हैं, तो वो यूं जिगजैग फॉर्म में भाग रहे हैं। अब माँ एकदम से नहीं भाग सकती भाई, वो तो वैसे भी रानी है, कभी इतना भागा नहीं है, तो उनको और चकमा देने के लिए कि वहाँ पकड़ ना पाए तो ऐसे ऐसे भागते हैं। तो जैसे ही पकड़ने वाली होती तो इधर निकल जाते हैं ना, तो पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन माँ ने डिसाइड किया था कि मैं पकड़ के रहूँगी। तो भगवान सोच रहे तो हार ही नहीं मान रही हैं, तो पूरा घर में पहले महल में दौड़े, फिर आंगन में आ गए, फिर भगवान ने सोचा यार ये तो पीछे आ ही नहीं है, छोड़ने वाली नहीं है, लग रहा है आज कुछ गड़बड़ ज़्यादा कर दी है। तो भगवान ने सोचा माँ है, रानी है, जनरली उस समय रानियाँ ऐसे बाहर सड़कों पे नहीं ऐसे दौड़ती थी घूमती थी, तो भगवान ने सोचा बाहर गली में निकल जाऊँ तो बाहर के ब्रजवासी हैं और उन सबके उस मर्यादा की वजह से शायद माँ बाहर नहीं आएगी, तो ये बाहर आंगन से गलियों में आ गए। लेकिन माँ ने आज डिसाइड किया आज चाहे कुछ हो जाए आज तो पकड़ के ही रहूँगी, तो गलियों में भी माँ आ गई और सारे गोपियाँ सब गोकुल वाले आज क्या हो गया क्या कर दिया, लेकिन फाइनली भगवान को जाके माँ ने पकड़ लिया। यशोदा भियोलोक लाधव मानम परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या। तो अब भगवान को पकड़ने के बाद, आज तो दूसरा श्लोक भी शुरू करना है ना, तो रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम करांबोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिवत्तम।
अब भगवान को माँ ने पकड़ तो लिया है, और अब माँ सोच रही, तो जैसे ही पकड़ा है ना भगवान को, तो भगवान एकदम से डर गए, माँ के हाथ में थी छड़ी, कि भगवान ने वो छड़ी देख के बहुत डरे हुए थे, तो आज तक माँ ने छड़ी नहीं उठाई थी, तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो छड़ी को देखते हुए भगवान यहाँ बताए, रुदंतम मुहुर नेत्र, रुदंतम मुहुर नेत्र, रोते हुए मुँह माने बार बार, रुदंतम मुहुर नेत्रम, नेत्र युग्मम दोनों आँखें, मृजंतम रगड़ रहे थे, बच्चों को देखा है ना, आंसू नहीं आएंगे है ना, करामबोज युग्मेन, करामबोज जो उनके कमल जैसे हाथ हैं, युग्मेन दोनों हाथ है ना, करामबोज युग्मेन सातंक नेत्रम, तो पहले तो रो रहे हैं है ना, और छड़ी को देख के और रो रहे हैं है ना, और फिर दोनों हाथों से अपनी आंखों को मल रहे हैं है ना, और सातंक नेत्रम, भगवान की आंखें आतंकित हैं, शब्द डरा हुआ शब्द नहीं आ रहा है, टेरर ना, भगवान जैसे कोई डर में और आतंक में फर्क है ना, तो भगवान यहाँ भय तो प्रदर्शित कर ही रहे हैं, लेकिन आतंक, सतंक नेत्रम उनकी आंखों में क्या है, मतलब जैसे आतंकवादी आ जाएं है ना, कहते ना इसने तो आतंकित कर रखा है यहाँ पे, तो वो उनकी आंखों में वो आतंकित होने का माने उनके ऊपर कोई आतंक कर रहा है, ऐसा डर भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं, यही है वो नमामि ईश्वरम, ऐसे कैसे ईश्वर हैं, छड़ी से डर गए। तो रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, वो अपनी माता की छड़ी के डर से रोते हुए अपनी आंखों को दोनों हाथों से मल रहे हैं, करामबोज युग्मेन दोनों हाथों से कर रहे हैं, करामबोज युग्मेन सातंक नेत्र, आंखों में आतंक का प्रदर्शित है, मैंने आतंकित आंखें हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं, लेकिन कभी कभी जब बच्चे को एकदम से डांट दो तो एकदम से डर जा रहा है, एकदम से वैसा टेररइज्ड रूप भगवान का प्रदर्शित हो रहा है, बिल्कुल डरे हुए हैं, तो इतना जो डरा हुआ रूप भगवान दिखा रहे हैं, मुह श्वास कंपास त्रिरेखांक कंठ, और डर भी हुए हैं, रो भी रहे हैं, और सांसें बहुत तेज चल रही हैं, देखना कि बच्चे जब रोते हैं तो उनकी सांसें एकदम से चलती हैं, मुह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा, तो उनकी सांस इतनी ज़्यादा तेज चल रही है कि गले में पड़ी हुई जो ये तीन रेखाएं, आप देखना फोटो, उनकी तीन रेखाएं हैं है ना, मुह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा है ना, ये पूरा उनकी सांस की वजह से हिल रहे है ना, यहाँ है गोलोक है ना, थोड़ा बता देते हैं, मुँह श्वास कंपा है ना, तो श्वास को समझना बहुत ज़रूरी है ना, कोई बोला ये कब तक चलेगा, एक भक्त ने दूसरे प्रभु जी, प्रभु जी ये कब तक चलेगा, इतना दुख है मेरे को, ये सब संसार में क्या क्या चल रहा है, कब तक चलेगा, कब ये सब शांति, बोले जब तक महाविष्णु सांस अंदर नहीं लेते, जब तक महाविष्णु सांस अंदर नहीं लेते, तो यहाँ पे उन महाविष्णु के भी सोर्स के जो सोर्स के जो सोर्स हैं उसकी बात हो रही है, कि वो जल्दी जल्दी मुँह श्वास कंपा ना, कांप रहे हैं, जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हैं, देखो आप सुप्रीम, इसलिए ये सब आने से पहले नमामि ईश्वरम वो बोल दिया, नहीं तो आदमी कंफ्यूज हो सकता है ना, ऐसा कैसा, इतना क्या डर, आप तो सुप्रीम भगवान हो ना, तो इसलिए पहले नमामि ईश्वरम बोल के क्लियर कर दिया है, बाकी सब लीला बाद में आ रही, इसलिए पहला श्लोक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर गोलोक है, गोलोक में भगवान राधा कृष्ण रहते हैं, तो एक्चुअली में जब कृष्ण के इधर राधा रानी है ना, तो जब कृष्ण आनंद
शक्ति जो है इनकी, उससे राधारानी प्रकट होती हैं, इधर से बलराम जी प्रकट होते हैं, बलराम जी से चतुर्व्यूह है, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव, इन संकर्षण से फिर एक और ये जो संकर्षण है, इन संकर्षण से नारायण, नारायण से फिर चतुर्व्यूह, दूसरे जो चतुर्व्यूह है उसमें फिर से अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव संकर्षण, वो संकर्षण से माने आप यहाँ तक आ गए, ठीक है। कृष्ण, कृष्ण से चतुर्व्यूह हुआ, बलराम, बलराम से चतुर्व्यूह, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और संकर्षण, ये संकर्षण से फिर नारायण, फिर नारायण से फिर से दोबारा संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर वो जो संकर्षण है उन संकर्षण से ये महाविष्णु है ना। तो ये जो महाविष्णु यहाँ है, इसके ऊपर सब आध्यात्मिक जगत, नीचे भौतिक जगत है ना। तो इन ये सदाशिव लोक है, यहाँ पे ऊपर सदाशिव, नीचे महाकाल है ना। तो ये सदाशिव का भी सोर्स कौन है? संकर्षण। इसलिए इलावरत वर्ष में शंकर जी संकर्षण की पूजा करते हैं, है ना। तो उनके ईष्ट देव कौन है? संकर्षण। संकर्षण का सोर्स कौन है? बलराम। बलराम का सोर्स कौन है? कृष्ण, है ना। तो इन महाविष्णु, इन संकर्षण से महाविष्णु आए हैं, और ये महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो उनके सांस छोड़ने के साथ साथ बहुत सारे अनगिनत ब्रह्मांड निकल के आते हैं, है ना। अनगिनत ब्रह्मांड निकल के आते हैं, और एक एक सारे ब्रह्मांड जड़ हैं, तो उन जड़ ब्रह्मांड को एक्टिव करने के लिए उस ब्रह्मांड की आत्मा के स्वरूप, भौतिक जगत की आत्मा है महाविष्णु, भौतिक जगत जड़ है, लेकिन जब उसमें महाविष्णु है तो उसमें भी लाइफ आया है। फिर वो जो ब्रह्मांड बने हैं, तो उन एक एक ब्रह्मांड में यही महाविष्णु से उनका एक एक्सपेंशन निकल के गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड में जाके उसकी आत्मा स्वरूप वहाँ बन जाता है। जब आत्मा आई तब तो वो एक्टिव होगा, फिर उस एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल निकल के उस पर ब्रह्मा का जन्म होगा। फिर वो ब्रह्मा जी 14 लोकों की रचना करेंगे, और उनको चलाने के लिए फिर वहाँ शिव आएंगे, और वो पर वो सब जड़ रहेगा, और उसको एक्टिवेट करने के लिए कण कण में वही गर्भोदक्षाई से एक और एक्सपेंशन निकल के क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में कण कण में जाएंगे। हर जीव के शरीर में वही क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में वही हैं, तब सब कुछ चल रहा है, और ये सब चलता रहेगा ऐसे ही। कब तक? जब अभी ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमें कुछ आइडिया नहीं है, पर अभी महाविष्णु ने सांस छोड़ी है, और जब सांस अंदर लेंगे तो सारा सब उनके शरीर के अंदर चला जाएगा। तो सोचो कि महाविष्णु सांस अंदर ना लें, जैसे ही लेंगे सब खत्म, है ना। तो अब ये कितना है टाइम कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग की उम्र है 432,000 साल, ठीक है। मेरे को एक ही डिजिट याद है, इसके बाद में खाली आपको इक्वेशन बताऊंगा, आप कर लेना है। कलयुग का उम्र कितना? इससे पहले द्वापर इसका डबल, त्रेता इसका ट्रिपल, और सतयुग इसका 4 गुना। सबको मिला दो, एक चतुर्युगी कहते हैं उसे, दिव्य युग, ठीक है, एक चतुर्युगी। इस एक चतुर ऐसे जब हजार साइकिल, ये एक साइकिल हुई सतयुग त्रेता द्वापर, एक साइकिल हुई, ऐसी हजार साइकिल हो जाएं, है ना, ऐसी हजार साइकिल अगर हो जाएं तो उसे कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन कल्प, है ना, उतना ही बड़ी ब्रह्मा की रात, ठीक है। ब्रह्मा कहाँ है? यहाँ है। इसके बारे में तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम इतने छोटे से कई बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा का ये है, हजार साइकिल होने पे ब्रह्मा का एक दिन, उतनी बड़ी ब्रह्मा की एक रात, ये है ब्रह्मा का एक दिन। कितने साइकिल हुई इसमें? कितने चतुर्युगी? हजार। इन हजार चतुर्युगों में
14 मनु बदलते हैं, 14 बार मनु बदल जाता है, एक एक उसे कहते हैं मनवंतर सरकार, है ना। एक एक मनु के टाइम में इंद्र अलग होगा, सूर्य अलग होगा, ऐसे करके वो सरकार चलती है। तो इस तरह से 14 बार बदल जाता है। एक मनु की उम्र है 71 चतुर्युग। तो इस तरीके से अभी जो है 14 मनु में से 7वें मनु का समय चल रहा है, प्रेजेंट बता दूँ। 7वां मनु जो है वैवस्वत मनु, उनका समय चल रहा है ना। तो वो हमारे जो सरकार है मनु, इसे कहते हैं मनवंतर सरकार। तो इसके जो हेड हैं मनु, वो हैं वैवस्वत मनु, जो कि विवस्वान के पुत्र हैं। विवस्वान कौन है? सन गॉड। गीता में आपने पढ़ा है ना, मैंने ये ज्ञान सन गॉड विवस्वान को दिया था, उसने अपने पुत्र वैवस्वत को, उसने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, उसने अपने पुत्र मनु को। ये वही वैवस्वत हैं जो मनुवंश, जो रघुवंश है ना, इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, जिसमें भगवान राम आए हैं, यही वो सूर्यवंश है। रामायण में देखा होगा ना, सूर्यवंशी राजा, तो ये सूर्यवंश है ना। तो ये जो वैवस्वत मनु चल रहा है, ये थोड़ा अलग है पर इन्फॉर्मेशन के रूप में बता देता हूँ। ये वैवस्वत मनु चल रहा है, और इस वैवस्वत मनु की जो 28वीं साइकिल है, पता ना साइकिल चलती है, 28वीं साइकिल चल रही है। 28वें साइकिल में ही भगवान कृष्ण आते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कब आते हैं? 28वें में। 28वें साइकिल का जो द्वापर युग है उसमें ही कृष्ण आते हैं। और द्वापर युग में आएंगे या नहीं आएंगे तो पूर्ण रूप से नहीं आएंगे, 28वें में भी पूर्ण रूप से आते हैं। इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और इस जब 24वीं साइकिल में, 24वीं साइकिल में जो त्रेता युग आएगा उसमें भगवान राम आते हैं, है ना। तो जो रामलीला हुई है वो इसके नहीं हुई है त्रेता में, 24वें जो था, ये 28वीं साइकिल चल रही है ना। एक साइकिल का माने सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो 28वें साइकिल के द्वापर युग में कृष्ण पूरी तरह से आएंगे पूर्ण रूप से, तब 18,000 श्लोक भागवतम के पूरे होते हैं, है ना। नहीं तो पूरे भागवतम के, और द्वापर युग में पूरे 18,000 श्लोक भागवत के पूरे नहीं होते। तो जब पूर्ण रूप से आते हैं तब पूरे 18,000 श्लोक पूरे होते हैं। और उस द्वापर के बाद, ये ध्यान की बात है, उस द्वापर के बाद, कौन सा द्वापर? जिसमें कृष्ण पूरी रूप से आएंगे, उस ही द्वापर के बाद जो कलयुग आएगा उसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा गौरंगा, उसी में आएंगे। और उसी में भगवान गौरंग महाप्रभु आएंगे और संकीर्तन मूवमेंट का प्रचार करेंगे, और सबसे जो पतित लोग हैं उनका उद्धार होगा। तो फॉर्चुनेटली हम उसी में हैं। अभी अभी 500 साल पहले, ताज़ा ताज़ा, अब लग रहा है ना ताज़ा ताज़ा है, नहीं तो लगता 500 साल कितनी पुरानी बात है, लेकिन अब आपको लग रहा है ना फ्रेश अभी की बात है ना। अभी अभी आए हैं, संकीर्तन मूवमेंट दे के गए हैं और हमें मिल गया है। तो अपने सौभाग्य के लिए हमें प्रभुपाद को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि वो महाप्रभु ने दिया तो, लेकिन हमें तो प्रभुपाद से मिला, श्री प्रभुपाद की। तो ये इतना जो बड़ा ब्रह्मा का एक दिन है, इस एक दिन को एक कल्प बोलते हैं। ऐसे 30 कल्प हैं, यानी एक महीना, ऐसे करके 12 महीने का एक साल, ऐसे करके 100 साल ब्रह्मा की उम्र, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कितना बड़ा टाइम पीरियड है ना। तो इतना सब होने के बाद जब महाविष्णु, अब ऐसा नहीं है कि महाविष्णु ने इनहेल एक्सहेल कर दिया है, सांस छोड़ी, अब रोक के बैठे हैं ना, वो अपना नॉर्मली सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं जैसे नॉर्मल सोते हैं, वो अपना सांस ले रहे हैं, ये साइड में चल रहा है। तो एक बार एक हमारे इस्कान के म्यूजियम में एक भक्त आए, तो सब फोटो देख रहे थे, सब देख रहे थे पूरा, एक फ़ोटो को देख के बड़ा प्रसन्न, ओ ये वाला पड़ा मेरा फेवरेट है भाई। कैसा कैसा क्या फेवरेट, ये क्यों फेवरेट है, कौन सा वाला? ये वाला। तो महाविष्णु का था, आराम से सो रहे हैं। तो प्रभु जी ने पूछा, क्यों ये क्यों फेवरेट है? बोला, ये सो भी रहा है और सब काम हो भी रहा है, तो कितना बढ़िया है। ये तो सो रहे हैं, सब काम साइड में चल रहा है अपना, इतना अच्छा हो जाता अगर मैं बस सोता रहता, ऑफिस की रिपोर्ट सबमिट होती रहती है ना, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो रही है, अपने आप ऑफिस पहुंच रहे हैं, वापस आ रहे हैं साहब। तो ये महाविष्णु ही कर सकते हैं।
तो महाविष्णु को ऐसे नहीं है कि अभी संसार को चलाना है तो थोड़ी देर में सांस रोक लूँ है फिर वो छोड़ू क्या, नहीं थोड़ी देर और थोड़ी देर, ऐसा नहीं है। वो अपना नॉर्मली चल रहा है और उसके बीच में वो एक सांस छोड़ी और वापस उसके बीच में सब हो रहा है, समझ रहे हैं आप? तो उनकी एक सांस की वैल्यू आपको समझ में आ रही है? पर यहीं उन्हीं महाविष्णु के सोर्स के सोर्स के सोर परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ माता यशोदा के डर से बार बार तेजी तेजी से सांस लेके भयभीत हो रहे हैं। मुँह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा। और उन इस तेजी से सांस लेने की वजह से शंख के जैसा जो उनका गला है उसमें जो पड़ी हुई जो मोतियों की माला है उनके गले में ऐसे करके तीन रेखाएं बनती हैं, उस गले में मोतियों की माला पड़ी है। तो ये भगवान के सौंदर्य और रूप विशेष का एक्सप्लेनेशन है कि आप उसमें जूम इन हो रहा है ना, कि आपको समझ में आ रहा होगा है ना, और क्लियर करने के लिए कि किस तरीके से भगवान सांस ले रहे हैं, किस तरह से उनकी आंखों में आतंक का भय का वो लक्षण है कि तो ये भगवान श्वास कंपन हो रहा है, तेजी से सांस ले रहे हैं, डर के मारे रो रहे हैं कि माँ मारेगी, छड़ी हाथ में लिए है, उस डर से भगवान तेजी से सांस ले लेके डरे हुए हैं उनका। अब ये सौंदर्य के बारे में और जूम करके बता रहे हैं ताकि और भक्तों का भाव और अच्छा हो। तो उनके गले में तीन रेखाएं बनती हैं, उसमें मोतियों की माला पड़ी है तो वो भी साथ साथ ऊपर नीचे हो रही है, शंख जैसा उनका गला है। और मुँह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। दामोदर भक्तिबद्धम, दामोदर उनका नाम है। क्यों? उन वो दामोदर माने क्या, जो रस्सी जिसके उदर में बंध, दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, जिसके पेट पर रस्सी बंधी हुई है, तो नाम दामोदर है। अब दामोदर है तो लोग कहेंगे मतलब क्या, मैंने जिसके पेट पर रस्सी बंधी है तो बंधा हुआ है रस्सी से ना, दामोदर है पर रस्सी से नहीं बंधा है, भक्तिबद्धम भक्ति से बंधा है, माता यशोदा की भक्ति से बंधा है, रस्सी से नहीं बंधा, दोनों चीज़ साथ साथ बोल दी। इसलिए दामोदर बोल रहे हैं तो लोग कन्फ्यूज़न हो सकता है कि रस्सी से बंधा है, लेकिन रस्सी से नहीं बंधा है, ये किससे बंधा है, इसे तुरंत दामोदर भक्तिबद्धम, ये किससे बंधे हुए हैं? तो समय है ना, तीसरे श्लोक कल करते हैं। कौन सी? अच्छा वो बताओ, बाद में बताऊँ, एक और बात बता देता हूँ। तो सनातन गोस्वामी ने अपनी टीका में बहुत सारे भागवतम के वर्सेस को श्लोकों को कोट किया है ना, मैं क्विकली उनको बता देता हूँ है ना, ये तो बता दिया है। इसके बाद हाँ, यहाँ पे एक श्लोक इम्पोर्टेंट है माता यशोदा के बारे में। माता यशोदा का अभी शब्द आ गया ना, दामोदरम भक्तिबद्धम, तो उन्होंने बांधा है कृष्ण को, तो उन्होंने उसको सिर्फ ये सोच के बांधा है कि मेरा पुत्र, उसको माता को दुनिया भर की बातें नहीं पता, सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि मेरा बेटा है और ये गलत काम कर रहा है, इसको मैं बांधना है ताकि ये सुधर जाए, है ना। तो कल इस पे हम और ज़्यादा चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन एक चीज़ में बता देता हूँ, एक श्लोक यहाँ आ रहा है, नेमम बिरिंचो ना भवो ना शरीर अपि अंग संश्रया प्रसादम ले भी रे गोपी यत तत् प्राप विमुक्ति दाति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, अर्थ है सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं माता यशोदा के
को हम माता यशोदा की वैल्यू क्या है यहाँ पे उसको समझने के लिए हैं। कल मैंने बताया था ना कि दामोदर लीला हो रही है माता यशोदा को समझने के लिए कि देवकी वसुदेव ने तो तपस्या करी थी और उनको बच्चे बन के आए हैं, पर सारा वात्सल्य का जो एक्सचेंज है प्रेम का वो तो यशोदा और नंद बाबा के साथ हो रहा है, तो यशोदा माँ को ये प्रेम क्यों इतना मिल रहा है, इतनी कृपा। नेमम विरिंचो ना भवो, विरिंचो माने ब्रह्मा, भवो माने शिवा, ना ब्रह्मा और ना शिव। नेमम विरिंचो ना भवो ना श्रीर, श्री माने लक्ष्मी, ना ब्रह्मा जी ना शिव, यहाँ तक कि लक्ष्मी। लक्ष्मी तो भगवान की अर्धांगिनी है ना, उनको भी भगवान की ये कृपा नहीं मिल पाई, न ब्रह्मा को न शिव को, यहाँ तक कि लक्ष्मी को। ब्रह्मा शिव तो चलो ठीक है, लक्ष्मी तो अर्धांगिनी है ना, उनको भी ये कृपा नहीं मिल पाई जो कृपा प्रसादम ले भी रे गोपी ना, उस गोपी उस यशोदा को जो कृपा मिली है वो ना तो ब्रह्मा को मिल पाई है ना शिवा को मिल पाई। तो अब आपने समझना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं कि माता यशोदा की पोजीशन कोई साधारण पोजीशन नहीं है। तो इसके आगे तीसरा जो है श्लोक, इति दिक्स्वलीला भीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम सतावृत्ति वन्दे। इस पे हम कल चर्चा करेंगे।